Hi Mia. Hi Mustafa. Aap log Dubai mein for a Blood Money premiere. What is your character in Blood Money? Yeah. Are we doing the interview in Hindi? Yeah, but yeah. I'll talk with you in English. No, theek hai. Thoda sa main Hindi seekh rahi ho. Okay, acha. Theek hai. Yeah. Mera character naam Rosa. Okay. Rosa ka character ek sexy or hot lurky ka character hai. Ek mazedar character. Ye bahut bahut acha experience hai. She's this, you know, she gets in between the fairy tale marriage that Kunal and Amrita's characters have, and I guess you could say that she is a little bit of a bad girl. Thoda sa bad she? Girl. Yeah, I think she is, yes, but she's a fun, good bad girl, and it was fantastic working with Vishesh Films and just being part of the whole thing. You work with Tismar Khan and I did a cameo and yep. Yes. So how's your experience with Bhatt's? Vishesh Films ek prestigious banner hai. Ye meri pehli film hai. Okay. Main bahut bahut khush hoon. Great. Did you understand anything? No. Yes. Did you? Okay, Mustafa bhai, please. Aapne pehle bhi Bhatt's gang mein kaam kiya, inko music diya. Ab jo आपके जो सॉन्ग्स आए ऑफ कोर्स वो सुपर हिट तो थे ही, अब इसके अंदर आपकी कितनी क्रिएटिविटी थी? ये जो गाने हैं मेरे ख्याल से, ये जो अब इस ब्लड मनी का जो म्यूजिक है, आई थिंक इसका तो मैं क्रेडिट डेफिनेटली दूंगा जीत गांगुली को जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बिकॉज मैं इसमें प्लेबैक आर्टिस्ट था. बट मुझे खुशी इस बात की है कि भट्ट साहब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हर आर्टिस्ट का कौन सा जॉनर है. इफ़ यू लिसन टू गुना किया ब्लड मनी से आप सुने तो इट्स वेरी सिमिलर टू विच रोजन इज डूइंग बैक इन पाकिस्तान. और मुझे इस तरह का काम करने का मज़ा आता है. मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरह के गाने गाऊँ जो कि मेरी बैंड की डिग्निटी को हर्ट करें. तो आई थिंक भट्ट साहब अंडरस्टूड दैट, एंड आई थिंक इफ यू लिसन टू द साउंड ट्रैक ऑफ गुना की ब्लड मनी, इट्स वेरी सिमिलर टू वट वी डू बैक होम इन पाकिस्तान, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट आई थिंक जीत गंगूली और प्रणय दो लोग हैं जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, 100% क्रेडिट उनको है. बाकी क्रेडिट विशाल को है जिसने मुझे अंडरस्टैंड करवाया कि ये सिचुएशन है, इस तरह गाना एग्रेशन चाहिए, ये क्लाइमेक्स है गाने का, इधर लड़ाई हो रही है तो वो एग्रेशन आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई सिंग दैट पार्ट टू मिल ना पाए हम जी ना पाए, देयर इज एग्रेशन इन द पार्ट, एंड दिस इज हाउ इट वॉज ऑल अबाउट. तो आई थिंक मुझे, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को और फिल्म डायरेक्टर को. दिल में तुम आपका जो सुपर हिट ट्रैक रहा, तो ये किसका आइडिया किसका था कि बनी को दोबारा वापस लेके आते हैं? और अच्छा, इट्स आई थिंक इट्स अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू आस्क दैट, बट यस आई थिंक द सॉन्ग इज डूइंग सो वेल इन पाकिस्तान. मेरा आइडिया था. आई थिंक हमें याद रखना चाहिए कि हम जिन्हें वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू बनी एंड ऑल दीज पीपल इन पाकिस्तान, एंड दैट इज वेयर द इंस्पिरेशन लाइज. तो इन लोगों को इग्नोर कर देना जो है वो बहुत गलत है, एंड दिस वॉज द होल आइडिया ऑफ डूइंग दैट प्रोजेक्ट, टू ब्रिंग दोज लेजेंड्स बैक इन टू दिस सीन. एंड आई वॉज सो टच्ड व्हेन ही मेंशन टू मी दैट बिकॉज ऑफ दिस वेंचर विच वी डिड ही इज बैक इन द म्यूजिक नाउ, सो यू विल गेट टू हियर अ लॉट ऑफ बनी इन द फ्यूचर. और अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर म्यूजिशियंस, एंड आई थिंक ही इज अ सुपर्ब आर्टिस्ट, ही इज अ टोटल रॉक स्टार. आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड के अंदर वो कौन कौन से? मैं एक गाना भी और करूंगा विशेष फिल्म्स के साथ, बिकॉज अब तो हम इट्स काइंड ऑफ फैमिली नाउ. देन आई एम डूइंग अनदर सॉन्ग, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है रॉस एंटरटेनमेंट के लिए, आई एम डूइंग अ सॉन्ग, आई एम ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू क्रैक द डील. और मैं फिर एक पूरी फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. So that is something I'm really looking forward to. But that is going to be, excuse me, that is going to be in 2013. Okay. Or next year. I got this year two more film songs. Production? I can't say it right now. Okay. Too early. Okay. It's fine. Mia, yes. Aapke future projects kya hain? Future projects? Nothing is totally confirmed yet. Mia's so doing a video with me in case you don't know. Am I? Yeah, you have to. Okay, I would love to. Which song? Of course, okay, yes. Okay, I'm doing a video. Yeah. just confirmed. I would love to do it. Which song? That we won't disclose now. Oh, okay. You'll disclose. So yeah, because the problem is when that video came out, Jo Tere Sang Kaati, yes, I think, it had me and Kunal jamming, and then Mia is in the video because of the film shots. So all of my friends were more focused on Mia. Exactly. Oh, and I was asking, and everyone was sending me, oh, she looks so hot. And I'm saying, look at me, tell me how to find all of my friends are more focused on you. You're looking very gorgeous. Thank you. Thank you very much, Mustafa. Thank you so much, Mia. Thank you. Pleasure talking to you guys.